हेलो क्लास आज डाटा वेयर हाउसिंग डाटा माइनिंग सीरीज में मैं आपको यूनिट फाइव का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ सिक्योरिटी इन डाटा वेयर हाउस जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डाटा वेयर हाउस में हिस्टोरिकल डाटा एज वेल एज करेंट डाटा स्टोर रहता है और डाटा बेस में केवल करेंट डाटा सेव रहता है तो डाटा वेयर हाउस इज एन ऑब्सोल्यूट गोल्ड माइन ऑफ इंफॉर्मेशन हम डाटा वेयर हाउस को क्यों गोल्ड माइन कहते हैं कि इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो हमारे लिए गोल्ड है क्योंकि इस इंफॉर्मेशन से हम अपना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो हमारा डाटा वेयर हाउस के अंदर डाटा है उस डाटा को हम यूज कर सकते हैं फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अब अगले पेज पे आते हैं हमें कुछ सिक्योरिटी प्रोविजन इंप्लीमेंट करने होते हैं किस लिए अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोडेक्ट करने के लिए जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन डाटा वेयर हाउस से निकालते हैं वो डाटा तो एक पर्टिकुलर लॉग होना चाहिए एक पर्टिकुलर आई होना चाहिए तो अगर आपका पर्टिकुलर लॉग होगा आप आप डाटा बेस या डाटा वेयर हाउस से प्रॉपरली ऑथेंटिकेट हो जाएंगे अगर आप उससे डाटा निकालते हैं तो आपका एक पर्टिकुलर लॉग पासवर्ड होना चाहिए जैसे कि ओलैप सिस्टम में होता है कुछ मैनेजमेंट टेक्निक्स और कुछ ऑडिटिंग कंट्रोल सिस्टम टेक्निक्स लगा के हम डाटा वेयर हाउस की सिक्योरिटी को सिक्योरिटी को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं डाटा वेयर हाउस में अब सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट होती है हमारे डाटा वेयर हाउस में ओलैब सिस्टम होता है ओलैब सिस्टम के पास एक ओलैब इंजन होता है वही सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमारा डाटा वेयर हाउस को अब यहां आ जाइए अगले पेज पे सिक्योरिटी पॉलिसी सबसे पहली सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है फिजिकल सिक्योरिटी मतलब कि आपका डाटा वेयर हाउस या डाटा बेस की फिजिकल सिक्योरिटी मेंटेन होनी चाहिए सिक्योरिटी एट द एट द वर्क स्टेशन जहां पर आपका डाटा बेस फिजिकली लोकेटेड है वहां की सिक्योरिटी नेटवर्क एंड कनेक्शन मतलब कि आपका नेटवर्क एंड कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए ताकि काफी सारे यूजर्स और डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर्स डाटा बेस या डाटा वेयर हाउस में स्टोर डाटा एक्सेस कर सकें और वो भी सिक्योरिटी प्रिवेंशन प्रोटोकॉल का यूज करके डाटा बेस एक्सेस प्रिवलेजेस अगर कोई डाटा बेस एक्सेस करता है तो उसको प्रिवलेज तभी मिल पाए जब वो ऑथेंटिकेटेड यूजर हो मेटा डाटा सिक्योरिटी मेटा डाटा का मतलब क्या होता है डाटा अबाउट डाटा मतलब किसी डाटा की इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलती है डाटा वेयर हाउस से ओलैप सिक्योरिटी वेब सिक्योरिटी ये कुछ सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं जो डाटा वेयर हाउस में इंप्लीमेंट होनी चाहिए देखिए इसके अंदर आता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिक्योरिटी मैनेजमेंट डील्स विथ हाउ सिस्टम इंटीग्रिटी इज मेंटेन अमंग पॉसिबल थ्रेड्स मतलब कई सारे वायरस मतलब थ्रेट्स का मतलब क्या होता है सिस्टम में कोई भी कभी भी अटैक हो सकता है डाटा वेयर हाउस पर अटैक हो सकता है तब भी हमारा डाटा इधर उधर ना हो हमारा डाटा एक जगह इंटीग्रेटेड रहे तो वो कैसे पॉसिबल है सिक्योरिटी मैनेजमेंट टेक्निक लगा के जैसे सिक्योरिटी मैनेजमेंट एक टेक्निक है पासवर्ड कंसिडरेशन जैसे आप अलग अलग पासवर्ड्स क्रिएट करते हैं अलग अलग कॉम्बिनेशन का यूज करके जैसे लोअर केस लेटर्स अपर केस लेटर्स नंबर्स, अल्फाबेट्स स्पेशल करेक्टर्स तो इन सबके कॉम्बिनेशन से आप क्या करते हैं एक स्ट्रांग पासवर्ड बनाते हैं स्ट्रांग पासवर्ड को जल्दी हैकर क्रैक नहीं कर पाता है फिर आपके हैं सिक्योरिटी टूल्स सिक्योरिटी टूल्स का क्या मतलब है इन द डाटा वेयर हाउस द सिक्योरिटी कंपोनेंट ऑफ द डाटा बेस सिस्टम इट्स इट सेल्फ इज द प्राइमरी सिक्योरिटी टूल डाटा वेयर हाउस में सबसे पहला सिक्योरिटी कंपोनेंट कौन सा है खुद डाटा बेस जो डाटा बेस हमने डाटा वेयर हाउस में कनेक्ट कर रखा है ओलैब सिस्टम की हेल्प से तो ओलैप इंजन तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है साथ में डाटा बेस सिस्टम भी क्या करता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है अब अगले टॉपिक तरफ आते हैं बैकअप एंड रिकवरी बैकअप जैसे आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है बैकअप क्या होता है जैसे आपने जैसे आपने लॉक बेस रिकवरी में पढ़ रखा है लॉक बेस रिकवरी क्या होती है लॉक बेस रिकवरी में हम पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का लॉग रिकॉर्ड सेव करके रखते हैं अगर कोई ट्रांजेक्शन बीच में ही फेल हो जाता है तो हम उसके लॉग रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं जहां पर ट्रांजेक्शन फेल हुआ वहीं से रिकवर कर लेते हैं वैसे ही चीज है आपका बैकअप एंड रिकवरी इस बैकअप एंड रिकवरी प्रोसेस को समझने के लिए मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं उसका देखिए ये देखिये है डायग्राम फाइल वन बैकअप ऑफ हिस्टोरिकल डाटा मतलब हमने फाइल वन में किसका बैकअप लिया है हिस्टोरिकल डाटा का फाइल टू में हमने किसका बैकअप लिया है करेंट डाटा का फाइल थ्री में हमने किसका बैकअप लिया है लॉग फाइल बैकअप मतलब जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उसका हमने लॉग रिकॉर्ड सेव कर लिया है फाइल थ्री में अब यहां पे हमारा सिस्टम क्रैश हो गया मतलब इतना system, जो ये आपको ये दिख रहा है पॉइंट इस पॉइंट पे आके हमारा सिस्टम फेल हो गया वेयर हाउस फेल हो गया फिर हम डाटा वेयर हाउस को रिकवर कहां से कराएंगे इन्हीं तीन फाइल की हेल्प से देखिए लिखा हुआ है रिकवरिंग ऑपरेशन मतलब ये रिकवरी ऑप्शन है हमारे इन तीन रिकवरी ऑप्शन की हेल्प से हम डाटा वेयर हाउस को दोबारा से क्या कर सकते हैं दोबारा से हम डाटा वेयर हाउस को फिर से रिकवर कर सकते हैं अब इसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं रिकवरी के टाइप्स कौन कौन से होते हैं ये देखिए देखिए कंप्लीट बैकअप कंप्लीट बैकअप वो होता है कि जब हम पूरे डाटा बेस या वेयर हाउस का बैकअप ले लेते हैं पार्शल बैकअप वो होता है जब हम जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप करंट डाटा हिस्टोरिकल डाटा मतलब एक बार आप करेंट डाटा का बैकअप ले लें तो वो होगा पार्शल बैकअप आप पूरे डाटा बेस का बैकअप नहीं ले रहे हैं। अगर आप हिस्टोरिकल डाटा का केवल बैकअप ले रहे हैं तो वो हो जाएगा पार्शल बैकअप यहां पे लिखा भी हुआ एनी बैकअप दैट इज नॉट कंप्लीट दैट इज इन पार्शल बैकअप द बैकअप ऑफ द एंटायर डाटा बेस इज नॉट टेकन मतलब ऐसा बैकअप जिसके अंदर पूरे डाटाबेस का बैकअप ना लिया जाए फिर अगला बैकअप है अगला बैकअप का टाइप है कोल्ड बैकअप कोल्ड बैकअप देखिए लिखा हुआ है आपके सामने कोल्ड बैकअप जब वो हाँ, जब डाटा का बैकअप लिया जाए जब इंफॉर्मेशन का बैकअप लिया जाए जब हमारा डाटा वेयर हाउस क्या हो ये, जब हमारा कंप्लीटली शट डाउन मतलब जब हमारा डाटा बेस वर्किंग ना हो फंक्शनिंग ना हो फंक्शनिंग मोड में ना हो तब हम उसका बैकअप लेते हैं तब हमारा डाटा बेस का बैकअप क्या कहलाएगा कोल्ड बैकअप हॉट बैक हॉट बैकअप का मतलब क्या होता है जब हमारा डाटाबेस फंक्शनिंग होता है जब हमारा डाटाबेस फंक्शन करे और फंक्शनिंग के समय ही अगर हम बैकअप ले लेते हैं तो उस बैकअप को क्या बोलेंगे? हॉट बैकअप आशा करता हूं आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे थैंक यू क्लास